इस वक्त की बड़ी खबर आई है, मुंबई के कॉलेज में बुर्का हिजाब पहन के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण आदेश में मुंबई के एक कॉलेज द्वारा जारी सर्कुलर पर रोक लगा दी है, जिसमें कॉलेज परिसर में हिजाब, नकाब, बुर्का और टोपी पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब, निकाब और बुरके पर पाबंदी आयद कर दी है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे कॉलेजेस के अंदर हिजाब, निकाब और बुरके पर पाबंदी आयद करते हुए ड्रेस कोड मुतारिफ करवा दिया है। पहले ये पाबंदी जो है ये सेकेंडरी लेवल तक थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर ग्रेजुएशन लेवल तक कर दिया गया है। इंडिया में रहने वाली तमाम मुस्लिम खवातीन अपने राइट के लिए सड़कों पर निकली हैं। उन्होंने अपने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाए, लेकिन उसके बाद कॉलेज के इंतजामिया का ये स्टांस था कि आप कॉलेज के अंदर हिजाब, निकाब और बुरके के साथ एंटर हो सकते हैं, लेकिन क्लासरूम में एंटर नहीं हो सकते। आपको क्लासरूम में एंटर होने के लिए अपना हिजाब, अपना निकाब और अपना बुर्का उतारना पड़ेगा। इसी मेरे सामने खड़ी हूँ इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है, ठीक है? भाई तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है? पकड़ो अपनी चादर, मेरे पास है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। आई हैव माय ओन शॉट। आपने तो ये मेरा डिसीजन है ना, आपका थोड़ी ना। आपका डिसीजन क्यों, अल्लाह के हुक्म। देखो आपने मुझे मेरी परमिशन के बगैर टच किया, आपको पता है ये कितना बड़ा गुनाह किया? आपको मैं टच नहीं किया, आपके सर पे अपनी आपने क्यों नहीं बहन। अरे तो ये भी नहीं दिखा सकते कि हमारे कच्चे भी फट गए। वो ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। आई एम सीरियस, लोगों ने टच रखा हुआ है। मैंने इस सदी में ये देख, आई एम सीरियस। जय दोस्तों, राम राम भाई। मामला ये है कि एन जी आचार्य और डी के मराठा कॉलेज के अंदर है बुरखा, नकाब, टोपी और स्टोल पर है जो बैन लगाया गया था, उसके बाद 9 लड़कियां हैं हाई कोर्ट पहुंची, वहां से उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर तक है इस आदेश पर रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट का जो कहना है ये है कि आप जो धार्मिक गतिविधियां हैं उन पर बैन नहीं लगा सकते, बट क्लासरूम है जो अंदर, वहां पर बुरखा, नकाब है, इन पर बैन लगा सकते हैं। भाई घूम फिर के मैं तो एक बात कहूंगा, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, उसके अंदर आप शिक्षा लेने जाते हैं, ना कि वहां पर मौलवी, पादरी, पुजारी वो बनने जाते हैं। आप वहां पर भाई बच्चों पढ़ने जाओ, इन गतिविधियों में ना घुसो, सारी उम्र पड़ी। आपकी क्या रिकमेंडेशन है? और पाकिस्तान की रिपोर्टिंग देखिए, उसके बाद भाई पोल खोलते हैं। सादत हसन, क्या आप ये बात जानते हैं कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे के कॉलेजेस के अंदर हिजाब, बुरखा और नकाब पर पाबंदी आयद कर दी है? पहले उन्होंने ये पाबंदी लगाई थी छोटे लेवल के ऊपर, सेकेंडरी लेवल तक, उसके बाद बढ़ाकर उन्होंने ग्रेजुएशन लेवल पर कर दी। अब बहुत सारी मुस्लिम जो लड़कियां हैं वो इंडिया में अपने राइट्स के लिए सड़कों पर निकल आई हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं, लेकिन स्कूल इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि आप स्कूल के अंदर तो हिजाब, बुरखा और नकाब के साथ दाखिल हो सकती हैं, लेकिन क्लास अटेंड नहीं कर सकती। क्या कहना चाहेंगे इस सारे मामले पर? हम आपस की लड़ाई में इतने मगन हैं कि हमें भारत में मुसलमानों पर तोड़े जाने वाले मजालिम की जरा बराबर भी परवाह नहीं है। सना, आज के दिन आपने इस टॉपिक का इंतखाब किया है, तो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू एंड रिमेंबर यू द कोटेशन एंड फ्रेज ऑफ कैदी आजम मोहम्मद अली जना। 11 अगस्त के दिन ही कैदी आजम मोहम्मद अली जना ने इस जो पूरी डिबेट है उसका खुलासा कर दिया। कैदी आजम मोहम्मद अली जना ने कहा था कि अगर आपका ताल्लुक किसी भी धर्म से है, किसी भी नस्ल से है, किसी भी जुबान से है, किसी भी मसलक से है, अगर आप इस मुल्क खुदादाद में रहेंगे तो स्टेट का आपके मजहब से, आपकी नस्ल से, आपकी जुबान से और आपके मसलक से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। यू आर फ्री, आप बिल्कुल आजाद हैं अपनी तमाम तर मजहबी रस्मात को अदा करने के लिए। अगर आप हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो आप आजाद हैं अपने मंदिरों में जाकर अपनी इबादत अदा करने के लिए। अगर आप मुसलमान मसलक से ताल्लुक रखते हैं तो आप आजाद हैं मसाजिदों में, इमाम बारगाहों में जाकर अपनी अपने जो अकायद हैं उसके मुताबिक अपनी इबादत करने के लिए। अगर आप ईसाई मजहब से ताल्लुक रखते हैं तो आप आजाद हैं चर्च में जाकर इबादत करने के। अगर आप सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपने आप अपने गुरुद्वारों में जाकर बड़े बाइज्जत और एहतराम के साथ अपनी इबादत को सर अंजाम दे सकते हैं। स्टेट किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेगी आपके किसी भी मजहबी मामलात के अंदर, और इस्लाम का हुक्म भी यही है। कैसा लगा मेरा मजाक? रुको जरा, सबर करो, हमारा मुल्क नहीं है, तभी तो हम जा रहे हैं इंडिया। आप इंडिया जा रहे हैं? हाँ, इंडिया जाएंगे, फिर क्या करेंगे, सारा दिन खेती बाड़ी करते, ऐसी हालत है हमारी, अभी क्या करें, हमारे बच्चे डरपोक हो गए, क्या करें? बच्चे डरते हैं। हाँ, पर डरते नहीं, मुसलमान सारे मुसलमान बनाते हैं, क्या करें? एक लड़का हमारा
पांचा वो मुसलमान हाँ, वो मैंने हाँ, पहला वीडियो पोस्ट किया हाँ, वो आपकी परिवार में हाँ, हमारे परिवार में तो अब बहुत ज्यादा डर बैठ गया है। फिर क्या करे और ये मुसलमान इलाका है, हमारा इलाके नहीं है, हम भाग चले इंडिया। जी हाँ, तो आपको लगता है कि इंडिया आपको बुला लेगा वहाँ पर? क्यों नहीं बुलाएंगे, ये ऐसी खेती बाड़ी इधर पे करते हैं, ऐसी खेती बाड़ी उधर पे करेंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे? सारा दिन अभी तक हमने खाना भी नहीं किया है, सुबह गए 300 रुपए दिहाड़ी पे। ये इनके हाथ अगर दिखाएं, ये दिखाओ जरा अपने हाथ ऐसे दिखाओ, ये देखें कैसी हालत है, अभी तक हमने खाने भी नहीं किया है। और ये पाँव से मजदूर भी है, और इनका कहना है कि अगर खेती बाड़ी यहाँ करते हैं तो यही खेती बाड़ी वहाँ करेंगे, लेकिन बच्चे महफूज होंगे हाँ, वहाँ पे सही होंगे, इधर पे नहीं रहेंगे, इधर नहीं रहना, नहीं रहना चाहते। और ये जी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए इनका ये पैगाम है कि हमें जी वहाँ बुलाए, हमने यहाँ नहीं रहना, नहीं रहना बस हाँ। और इसी तरह की मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो तमाम बातें मैंने आपको बताई हैं, यही बातें मनवान जो हिंदुस्तानी कानून है उसने भी लिखी हुई है। सना हिंदुस्तानी कानून में ये बात मौजूद है कि आपका ताल्लुक किसी भी रंग हो, मजहब हो, नस्ल हो, फिक्स से हो, इसका स्टेट से कोई ताल्लुक नहीं है मेरे हिंदू भाइयों। ये आपके कानून में लिखा हुआ है कि किसी किस्म की पाबंदी आप पर लागू नहीं हो सकती। तो अगर किसी किस्म की कोई पाबंदी लगाना भी चाहे, अगर अदलिया में इस तरह की कोई पेचीदगियां आए और उस पर कोई कदगल लगाई जाए या उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए, तो कोई सॉलिड ग्राउंड उसके लिए पेश की जाते हैं। अगर कोई ऐसा कानून है जिससे कि माशरे में कोई बिगाड़ पैदा होने का कोई खदशा है, तो उस पर नजरसानी यकीन की जा सकती है, आईन में कोई तब्दीली बरपा की जा सकती है, उस पर एक गुफ्तगू और डिबेट की जा सकती है, उसके बाद आप कोई ना कोई इस किस्म का कदम उठाएंगे। सना आप खुद बताएं, क्या हिजाब से हिंदुस्तानी सॉवरेनिटी को किसी किस्म का खतरा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हिजाब से किसी भी जो हमारी हिंदू बहन वहाँ पर मौजूद है और एक सोसाइटी में बसती है, या कोई हिंदू मर्द वहाँ मौजूद है, हिजाब से क्या किसी किस्म की कोई तकलीफ हमारी हिंदू बहन को या हमारे हिंदू भाई को क्रिएट हो सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता। तो जब किसी किस्म का कोई थ्रेट भी मौजूद नहीं है, किसी किस्म की ऐसी कोई बात भी नहीं है कि जो सोसाइटी में किसी किस्म का बिगाड़ पैदा करे, फिर उस पर इस किस्म की कदगन लगाना यकीनन एक जो एक मैं कोई ज्यादा सख्त बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन यकीनन इसका ताल्लुक किसी भी जो माशरती फलाई है उससे नहीं हो सकता। कोई ना कोई इसके पीछे रीजन है जो किसी खास मकतबे फिक्र को या किसी खास मजहब को टारगेट करती हुई आपको दिखाई देगी, वरना कोई खास लॉजिक समझ में नहीं आती सना। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए कम समय में मैं थोड़ी लंबी बात कर गया स्टार्टिंग में, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, देखिए भाई पाकिस्तान के थोड़े रिएक्शनों पर बात कर ले। जहां पर ये बोल रहा है कि कायदे आजम ने 11 तारीख को अगस्त को बोला था कि 11 अगस्त को बोला था कि भाई हर मजहब धर्म के यहाँ आइए और आप स्वतंत्र हैं। 22% थे, 1% रह गए, और आज 1% की भी मैंने आपको क्लिप दिखा दिया है, रो रहे हैं कि मोदी साहब हमें कैसे भी करके बुला लो, भूखे मर रहे हैं, हाथ आप लोगों ने देख लिए हैं, 300 रुपए में काम करना पड़ता है दिहाड़ी, बच्चों का पेट नहीं भर रहा, वो क्या नाम है उसका, उनका जो है मियां मिठू तोता, वो भाई बच्चियों को शादी लायक भी नहीं होने देते, उठाते हैं और मुसलमानों के साथ वहां पर पाकिस्तान में शादी कर देते। ये है पाकिस्तान, ये है इसका जीना का पाकिस्तान। भाई देख लो एक बार हिंदुओं की हालत, देख लो बांग्लादेश में। अच्छी बात है अपने धर्म मजहब को बढ़ावा देना चाहिए, बट जगह स्थान देखकर देना चाहिए। स्कूल पढ़ने के लिए जाते हो, कॉलेज पढ़ने के लिए जाते हो, अगर आप वो शिक्षा जो पढ़ने जाते हो वो सीख लोगे तो इन चीजों से बाहर निकल जाओगे। बाकी आपकी क्या रिकमेंडेशन है? जय जवाहर, जय श्री राम।